वेलकम बैक टू डी एस क्लासेस। डी एस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। देखिए, ये जो है आपका एग्जामिनेशन जो है, ये बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है जो कि 2022 का है, और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो बड़े ध्यान से देखिएगा और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर वीडियो पर बनी रही, आपको सारी इन्फॉर्मेशन विथ सॉल्विंग के साथ मिल जाएगी, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट में अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन मस्ट भी इसमें एक पैराग्राफ, देखिए सभी जितना भी पैटर्न आप सभी को मैंने समझा रखे हूँ अभी, तो उसमें क्या रहता है, सेक्शन ए में जो है दो अनसीन पैसेज आते हैं। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट में लिखा है कि डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड एयरली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स फिट अ डिसीजन। देखिए, डिसिप्लिन के बारे में, अनुशासन के बारे में बताया गया है कि अनुशासन हम सभी के लिए हमारी ज़िंदगी में कितना आवश्यक है, और जितने जल्दी इसको अपनी ज़िंदगी में लाया जाए उतना अच्छा है, ठीक है। अगर डिसिप्लिन घर से ही आए तो वो हमारा फ्यूचर बना सकता है, और हमें एक मतलब निखर के कोई भी इंसान, वो ही लिखा है, लेकिन हमेशा इंसान किसी भी, बेसिकली किसी की भी बात हो रही है कि अगर जब डिसिप्लिन घर से आता है तो आपको एक ऐसा इंसान बना देता है जो कि एक फिट सिटीज़न होता है। इट्स फॉर्म इस हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीज़न, मतलब कि उसको क्या रहता है कि एक जो हमारा चरित्र है, या फिर मैं बोलूँ जो हमारा व्यवहार है, उसे गुणवान बना देता है, और इसके बाद हमें एक फिट सिटीजन, मतलब इस सोसाइटी में बैठने लायक इंसान बना देता है। द चाइल्ड हु इज़ ऑफ एक्सेस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, एक्सपोजिंग हिम टू हिमसेल्फ टू कोल्ड, ईटिंग होल्स सम थिंग्स एज अ रिजल्ट विल फॉल इन फ्रिक्वेंटली। अ चाइल्ड हुज हैबिट हैव बीन डिसिप्लिन एंड हु हैज़ बीन टॉट टू राइज एयरली, अटेंड टू हिज लेसन प्रॉपरली, टेक फिजिकली एक्सरसाइज एट द प्रॉपर टाइम, अवॉइड थिंग्स द आर इंजर्स विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेम्बर ऑफ द सोसाइटी। देखिए, एक बच्चा अगर सारी चीज़ें खाता है, मतलब वो हर एक प्रकार की चीज़ खाता है, तो क्या होता है, वो जल्दी ही बीमार हो जाता है। लेकिन एक बच्चा जिसको शुरू से ही डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहने की आदत है, अगर उसको मतलब जो उसको शुरू से ही, बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई जा रही है कि जल्दी उठना है, सारे लेसन, मतलब स्कूल की स्टडी में भी हर एक लेसन को कम्प्लीटली अटेंड करना है, फिज़िकली एक्सरसाइज करना है, और प्रॉपर टाइम, मतलब एक प्रॉपर टाइम पर ही एक चीज़ करनी है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो चीज़ें आपकी, आपको ग्रो करने में, किसको ग्रो करने में, विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेम्बर ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि आपको निखर कर आने में जो चीज़ें बाधाएँ आ रही हैं, जैसे कई बार कुछ लोग हमारे बीच में आ जाते हैं, सो उनको अवॉइड कैसे करना है ये भी सिखाता है। इसके बाद द स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज़ बीन अलाउड टू रन हिज ओन करेज विल सो वाइज इन यंगर डेज, हिज पेरेंट्स वुड विश दैट ही हैड नॉट बीन वॉर्न एट ऑल। जो बच्चा जिसको शुरू से ही मतलब अपने हिसाब से चलने की आज़ादी दी जाती है, उसको हिम्मत दी जाती है कि तू भाई जैसा करना चाहता है वैसा कर, तो उसके जो माता पिता होते हैं वो चाहते हैं कि ऐसा बच्चा कभी किसी को ना हो, ठीक है। सो ये था आपका सार इस पैसेज का। इस पैसेज में आपने पूरा रीड किया, अब मैं आपको बताती हूँ इसके क्या क्वेश्चन आंसर, जो कि अल्टरनेटिव में आएंगे हमेशा आप सभी के लिए, और जो कितने नंबर के रहेंगे, 5 नंबर के। आप आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं अगर आप पूरा क्या पढ़ेंगे, पूरा पैसेज क्लियरली समझ लेंगे, क्योंकि अब आपको पता है कहाँ कौन सी चीज़ बोली गई है, कि नहीं बताइए। तो अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की, तो व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, मतलब जो डिसिप्लिन होता है वो एक बच्चे के ये क्यों आवश्यक है और क्या देता है। देखिए, मेक चिल डल, देखिए इसमें नकारात्मक चीज़ें तो डल तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद मेक हिम स्ट्रॉन्ग, या मेक हिम वेवार्ड, या फिर फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको बताती हूँ एक अच्छी चीज़, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो दिख रहा है ना, कि इट्स फॉर्म हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, वो एक फिट सिटीजन बनाता है और उसके कैरेक्टर को फॉर्म में लाता है। सो राइट आंसर इज ये, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि व्हाट एबल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज़ अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, एक लड़का या फिर कोई भी बच्चा जो एबल है, उसको मतलब कोई भी चीज़, मतलब व्हेन ही इज़ अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, उसको वो करने की आज़ादी दी जा रही है जो वो करना चाहता है। तो
तो वो क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर किसी बच्चे को अलाउ किया जा रहा है कि उसको जो करना है करे, तो कैसे करेगा, मेक हिम हैप्पीली, उसको खुश, मतलब वो चीज़ करने से उसको, मतलब वो अपने आप में खुश हो जाएगा, या फिर डेवलप गुड हैबिट्स उसके अंदर, अच्छी आदतों का डेवलपमेंट होगा, या फिर डेवलपमेंट डिसिप्लिन इन हिम, या फिर कैच कोल्ड एंड फॉल इल। देखिए यहाँ आप कैसे समझेंगे कि कैच कोल्ड एंड फॉल इल है। देखिए इसका एक सिंपल सा फंडा है जिसमें बताया गया है कि एक बच्चे या एक व्यक्ति को अगर उसके हिसाब से चलने की परमिशन दी जाती, जो उसे पसंद है वो करने की आज़ादी दी जाती, तो बेसिकली ये थिंग है कि या तो वो कोल्ड हो, उसको कोल्ड हो जाएगा, या फॉल इल मतलब वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, इसमें बीमारी से मतलब कुछ और भी ले सकते हैं कि भविष्य में वो जाकर कोई भी नेगेटिव चीज़ ही करेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि व्हाट आर गुड हैबिट। गुड हैबिट क्या है आपके हिसाब से? रनिंग इन द सन दोपहर, या फिर सूर्य के उसमें चलना, प्लेइंग ऑल टाइम हमेशा खेलना, या फिर अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजर्स, मतलब उन चीज़ों को अवॉइड करना जो कि आपके लिए हानिकारक है, या एक्सपोजिंग हिम सेल्फ टू कोल्ड। देखिए इसमें आपको बताना है कि क्या चीज़ आपके लिए, व्हाट आर द गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स क्या होती हैं। चलिए तो मैं इसको कन्फर्म करने के लिए कि यही राइट आंसर है, मैं क्या करती हूँ आपको प्रूफ देती हूँ, क्योंकि विदाउट प्रूफ आज के टाइम में कोई नहीं मानता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें लिखा था कि अवॉइड, रुकिएगा बहुत सारे निशान है तो आप आई थिंक आप अच्छे से नहीं समझ सकते। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अ चाइल्ड हु हैज़ गुड हैबिट, हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन, या फिर गुड हैबिट, सो वो क्या करेगा, देखिए अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजर्स, उन चीज़ों को अवॉइड करेगा जो कि उसके हेल्थ के लिए या उसके लिए इंजर्स है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा बच्चा, सी वाला। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि गिव अ सिप टाइटल, आपको गिफ्ट टाइटल देना है, टाइटल देना है इसका, तो आपने अगर मेरी पूरी बातें ध्यान से सुनी है ना अभी तक की, तो आपको पता चलेगा कि मैं डिसिप्लिन अनुशासन की ही बात कर रही हूँ। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन सिखाया गया, मतलब कि ये अनुशासन की महत्ता सिखाई गई है। ठीक है, सो राइट आंसर है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, प्लेइंग रनिंग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए आपको अगर किसी भी पैसेज का, किसी भी चीज़ का टाइटल निकालना है, तो आप जो चीज़ आपको बार बार रिपीट की गई है आप वो ध्यान दें। ठीक है, अगर आप 5th की बात करें कि वॉट डज स्पॉइल इट मीन, स्पॉइल इट का मतलब क्या होता है किसी, देखिए सबसे पहले आपको इस चीज़ का मतलब पता होना ज़रूरी है कि स्पॉइल इट मतलब क्या होता है। और कई बार आपने ये डायलॉग सुना होगा कि आपने वो चीज़ ख़राब कर दी, आपने वो चीज़ पूरी स्पॉइल कर दी, तो इससे रिलेटेड कोई वर्ड सुने हैं आपने, अगर नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर उसका मीनिंग क्या है, डिस्ट्रॉय मतलब विनाश कर देना। सो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ का विनाश करना। इंजरीज मतलब होता है बच्चा कि कोई भी चीज़ में मतलब खतरा होना। डिसिप्लिन मतलब होता है क्या, आपका अनुशासन। और ग्रेटनेस क्या होती है, महानता। तो राइट आंसर है आपका डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को भी ख़त्म कर देना। ठीक है, अभी 2nd नंबर पैसेज हम देखते हैं, गार्बेज का मोस्ट पॉपुलर पैसेज है अगर मैं बोलूँ अनसीन में, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है और 2022 में देखा गया, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए गार्बेज का एक पैसेज है देख लेते हैं अपन लोग। गार्बेज इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हज़र्ड, जो गार्बेज है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खतरे मतलब है। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यूज पेपर, टिफिन पैकेजिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर, वाटर कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला मैंने, ये बोला है कि जो गार्बेज होता है ना, मतलब कि जो गार्बेज है, मतलब जो कूड़ा कचरा है, वो बहुत सारी सोर्सेज से आता है, मतलब बहुत सारे स्रोत हैं इसको उत्पन्न करने के लिए। जैसे मैं बात करूँ पेपर की, टिफ़िन पैकेजिंग की, प्लास्टिक बैग्स की, आइसक्रीम रैपर जो होता है उसकी, बॉटल कैप्स की बात करें, या फॉरन लीव्स फ्रॉम ट्रीज इसकी बात करें, और ऐसी बहुत सारी मतलब उत्पादन है जिससे कि इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा हज़र्ड होता है। ठीक है, तो गार्बेज मेक्स द प्रीमियस अगली अनकैम्प्ड एंड ब्रीड्स डिसीजेस, अ लॉट ऑफ ट्रैश दैट इज़ अ थ्रो अवे कॉन्टेंट्स मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज सच एज अ पेपर, मेटल, ग्लास, विच कैन बी सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ टू द जंक डीलर। देखिए यहाँ पर बताया गया है
हाँ आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक भी देंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। जो गार्बेज है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अगली बदसूरत बना देता है, सही भी बात है। कूड़ा कचरा अगर सड़क पे पड़ा है तो हमें तो बुरा लगेगा ही। इसके बाद जो है बहुत सारी ब्रीड्स वाली डिसीजेस लेकर आता है, अ लॉट ऑफ ट्रैश, जो बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है। ये कहाँ से आता है? बहुत सारे मटेरियल से आता है, लेकिन कुछ मटेरियल का हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टेंट्स मटेरियल का, ठीक है, इसका रिसाइकल हो जाता है और इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें पेपर की, मेटल की, ग्लास की, विच कैन बी सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर। आप कहीं के भी रिसाइकलिंग सेंटर पर दे दीजिए, भेज दीजिए, तो वो आपको फिर से इसको रीयूज्ड करने के लिए दे। एंड देखिए, इसको अगर आपको पूरा पढ़ना है ना, तो बहुत आसान तरीका है, मैंने अलग से इसकी वीडियो बना दी थी, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका अलग से वीडियो बना देती हूँ, मतलब बन चुका है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है। एंड दिस वुड बी हेल्प। अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, तो जब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पैसेज से बिल्कुल रिलेट नहीं है, तो आप लोगों को लगेगा कि हमें आंसर कैसे करना है। तो आप पर्सनल अगर उस पर भी करेंगे ना, तो आपसे बन जाएगा कि द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इस प्रेजेंट कंडीशन आर, प्रेजेंट की कंडीशन पे मेन सोर्स क्या है आज का, ठीक है, मतलब गार्बेज क्या है आपका, कि मतलब गार्बेज का मेन सोर्स की अगर बात करें, तो बेसिकली आप लोगों को भी पता है कि हाउस होल्ड जो है मेन सोर्स है गार्बेज का, या तो आप इसे याद कर लीजिए या एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको माइंड में हो जाएगा। तो ये जो है ये सिंपली प्रेजेंट की कंडीशन से लिया, तो आपको इसमें बिल्कुल भी वो दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों किया ना। सेकंड देखेंगे कि लीफ कैन एनरिच, देखिए एनरिच फर्टिलिटी, ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था मैंने यहीं पर, कैसे बताया था, बड़े ध्यान से बताया था कि जो लीफ है विच कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी, तो इसमें आंसर क्या आएगा भाई, सॉइल, आंसर क्या आएगा, सॉइल। अगर आप थर्ड की बात करेंगे, द नाउन फॉर्म द वर्ड रिसाइकल्ड इज, रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म क्या होता है, तो हमेशा रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म क्या होता है बच्चा, रिसाइकलिंग। अगर आप गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट की बात करेंगे, मतलब कि जो बहुत पास है, नियरेस्ट, नियर मतलब क्या होता है, पास, नियरेस्ट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पास, क्या, बहुत ज़्यादा पास, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें देखिए क्लोजली है, फॉर है, फॉर अवे है, देखिए फॉर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब दूर होता है, फॉर अवे मतलब बहुत दूर होता है, ठीक है, लेकिन यही हम बात करेंगे क्लोजली, तो मतलब कोई आपके पास है, किसी भी चीज़ से पास है, ठीक है। और इसमें अगर हम क्लोजेस्ट की बात करेंगे, तो कोई इंसान आपके बहुत ज़्यादा पास है, क्या, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पास है, सो आंसर है आपका क्लोजेस्ट, ठीक है। अगर फिफ्थ की बात करेंगे कि गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, देखिए हमने आपको अभी बताया था कि गार्बेज का रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, रिसाइकलिंग से कैसे कर सकते हैं, रिसाइकलिंग से, तो आंसर है रिसाइकलिंग, आप रीचेक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करेंगे सेक्शन बी में, तो हमेशा इसमें रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इसमें रहता है हमेशा सेक्शन बी में नोट्स बनाने को आता है, इसके बाद समरी तो आनी ही नहीं है, एक टाइटल आता है, ठीक है। देखिए नोट्स बनाने का बहुत सिंपल सा मतलब फंडा है, या फिर मैं बोलूँ कि सिंपल सी ट्रिक है, जिसमें आप आराम से क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जैसे आपने लिया, आपको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से क्या करें, तो डॉट से स्टार्ट करिए और डॉट से ही ख़त्म कर दीजिए। जैसे गेम एंड स्पोर्ट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है एजुकेशन पे, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, क्या हो गया बच्चा, एक पॉइंट, ठीक है। मैं इसी में आपको पॉइंट्स बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाते। अब इसके बाद इसमें बोला गया है, देखिए तीन नंबर का है आपका नोट, तो इसमें कुछ नहीं, तो आपको चार से पाँच पॉइंट बनाने पड़ेंगे, जब आपको आपकी टीचर जो है तीन नंबर देंगी, ठीक है। तो आपने ये फिर से एक डॉट देखा, आपने सोचा ये छोटा है भाई, हम बना देते हैं इसको पॉइंट, क्योंकि पॉइंट हमेशा, और पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कैसे पॉइंट बनाने, वन पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट समझते एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार, ऐसे पॉइंट, ऐसे पॉइंट नहीं बनते हैं। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो मैंने सिंपल सा क्या लिया था, चलिए उसको छोड़िए, आप ये लिखिए बोथ आर इंसेंटली, ये भी थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, एक मिनट में थोड़े आगे से लेना पड़ेगा इसको, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखिए, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। मैंने इसका ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पर बोथ हार था, इसका मतलब दोनों की बात हो रही थी, बट दोनों का नाम तो नहीं आ रहा था, तो मैंने देखा कि आगे इसका नाम ज़रूर दिया होगा, क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि राम एंड सीता, फिर मैं बोलूँगी वो दोनों जो हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो दोनों, अब इसमें ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि राम और सीता की बात हो रही, तो आपको इसको अलग से बताना पड़ेगा। तो आपने किसे बताया, दिस शुड नॉट बी नॉट ओनली डेवलप द माइंड बट ऑल्सो द बॉडी, बोथ आर मतलब जो माइंड है और क्या है,
बॉडी। देखना दोनों की बात हो रही थी, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो ये भी मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा, छोटा एंड स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट बोल दे तो। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ, मतलब जो गेम्स है मतलब खेलकूद और स्पोर्ट्स जो हैं एक ग्रेट वैल्यू रखते हैं एक शिक्षक बोल रही हूँ, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, किसी भी विद्यार्थी की लाइफ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अगर आपको सब पॉइंट बनाना सीखना है तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी, इसमें हम देखेंगे कि देखिए सब पॉइंट बनाने का कुछ नहीं है, बहुत आसान सा तरीका। जैसे मैंने यहाँ से लिखा कि द स्पोर्ट्स आर, अपने थ्री पॉइंट से जैसे तीसरा पॉइंट में आप ये सब पॉइंट बनाए तो 3.1 करके लिखें, अगर आप फोर पॉइंट में बना तो 4.1 करके लिखें, आसान होता है, बस बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। सो इसमें आपने बोला, चलिए मैं कुछ अच्छा सा बताती हूँ इसमें आपको। इसमें लिखा है कि आपका द स्पोर्ट एरियन टीचर्स मैनी थिंग्स टू द स्टूडेंट, गिव देम डिसिप्लिन, है ना, इट डेवलप्स। तो जो स्पोर्ट्स है और गेम है, जैसे फर्स्ट में ये दिया ना कि गेम एंड स्पोर्ट्स, तो आप गेम एंड स्पोर्ट्स को हाईलाइट करके लिखिएगा कि इट डेवलप्स देयर स्पोर्टमैन स्पिरिट, इसके बाद मेंटल आउटलुक, चेयरफुल नेचर। अब आपको कैसे लिखना है इसको, 4.1 लिखा आपने, फिर इसको इतना लिख लिया, 4.2 लिखा आपने, फिर इतना लिख दिया, 4.3 लिखा, फिर आपने चेयरफुली नेचर लिख दिया, 4.4 लिखा आपने, स्ट्रॉन्ग फिजिक लिख दिया। सो ये सारी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने सीखा कि नोट्स कैसे बनाते हैं और मैंने इसके नोट्स भी आपको बना के बता दिए हैं। तो कुछ ऐसे प्रकार से आप नोट बनाएंगे तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आपको कोई भी टीचर तीन नंबर में से दो नंबर तो देने वाला नहीं, तीन ही देगा। और अगर हम सब पॉइंट की बात करें, मतलब सॉरी सुटेबल टाइटल की बात करें, तो टाइटल क्या है इसका, टाइटल है गेम एंड स्पोर्ट्स। क्या है गेम एंड स्पोर्ट्स, क्यों है, क्योंकि इसमें उसी से रिलेटेड बातें हुई हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर आप बार बार देखेंगे तो ये देखिए द स्पोर्ट्स, ठीक है। इसके बाद और भी अगर आप आंखें जाके देखेंगे तो ये देखिए, तो बार बार उन्हीं की बातें की जा रही है, तो ये होगा गेम एंड स्पोर्ट्स, इसका राइट आंसर होगा टाइटल के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है क्या है, यू आर अ नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। आपको बुक बैंक से बुक इशू करवानी है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए हम एप्लीकेशन लिखकर बता दें कि एप्लीकेशन आखिर लिखते कैसे हैं, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन बात करते हैं तो जैसे मैंने हेडलाइन डाली कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल डाला है, इसमें आपको ये एड्रेस की जगह पे आपको क्या मेंशन करना है बेटा कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रीवा, कहाँ है आपका स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रीवा, आपने ये मेंशन किया यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके बाद आपको यही करना है कि सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, आपको किसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है, बुक बैंक के लिए लिखनी है। इसके बाद सर, सर से आप बात बोल रहे हैं कि आई लाइक टू से दैट, आपको ये वाला फंडा तो हमेशा आजमाना है कि आई लाइक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आपको इतना तो हमेशा हर एक एप्लीकेशन में लिखना है, आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं एक जो हूँ अच्छा विद्यार्थी एंड फर्स्ट स्टैंड इन माई स्कूल, मतलब मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट स्टैंड पर आता हूँ, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे जो पिताजी हैं वो एक गरीब फार्मर हैं, सो ही इज़ अनएबल टू बाय माई कोर्स बुक, मेरे जो पिताजी हैं वो एक गरीब किसान हैं, तो वो क्या कर सकते हैं आप, मतलब मेरे लिए जो है किताबें नहीं खरीद सकते जो मेरी कोर्स बुक की है। अब आगे आप बोल रहे हैं कि काइंडली इश्यू माई कोर्स बुक फ्रॉम बुक बैंक, आप मेरा जो बुक्स है वो इशू करवा दीजिए बुक बैंक में से, ठीक है। इसके बाद आपको थैंक यू लिखना है एंड योर ओविडेंटली नैम, नेम यहाँ पर एक्स वाई जेड के जगह हम बताते हैं जो आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड है, जो एप्लीकेशन में मेंशन है कि नवीन शर्मा, तो आपको यहाँ पर नवीन शर्मा बोलना है कि आप जो है नवीन शर्मा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नवीन, ठीक है, यहाँ पर वही नाम लिखें जो आपकी एप्लीकेशन में आया है। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे है आपका, आपका लिखा है इसमें क्या, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, आपको इन में से किसी भी ऐसे में से जो वर्ड्स लिखने 150 वर्ड्स के अंदर ही लिखें, क्योंकि पाँच नंबर का है। बहुत से बच्चे इसको चार पाँच पेज में लिखते हैं तो फिर पाँच नंबर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप चार पाँच पेज में लिखेंगे तो एक नंबर का पाँच नंबर एक नंबर देंगे, वो ऐसा नहीं रहता है। आप सटीक लिखिए, सुंदर लिखिए, तो आपको हमेशा जो है नंबर पूरे मिलेंगे, बस लिखने का तरीका सही होना
चाहिए आप सभी का, ठीक है। तो चलिए इसमें से हम लोगों ने लिया है माई हॉबी का। अगर आपको ये वाला याद नहीं करना है, दूसरा करना है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ऐसे की बात करते हैं। तो माई हॉबी लिखा है, अब इसमें देखिए मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना बच्चे, उसके आपको लाइन में हेडलाइन डालना है। कैसे हेडलाइन डालना, देखिए मैं बताती हूँ। आपने बड़े बड़े बोल्ड शब्द में लिखिएगा माई हॉबी, फिर आपने लिखा फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद सेकेंड मैंने क्या लिखा है, रुकिए एक मिनट, जैसे मैंने लिखा ये इंट्रोडक्शन, सेकंड मैंने लिखा आप सभी के लिए टाइप्स ऑफ हॉबी, थर्ड मैंने लिखा माय हॉबी, फिर इसके बाद आपने क्या लिखा भाई, माय हॉबी मैंने, हो गया, चलिए कॉन्क्लूजन। तो ये चारों पांचों पॉइंट है ना आप पहले लाइन में लिखिएगा, तो इससे क्या होता है आपकी रूपरेखा बनती है, इफ़ आई एम सेइंग इन हिंदी, ठीक है। सो ये हो गई आपकी हेडलाइन। अब आपको इनके अंदर का लिखना है, तो आप फर्स्ट लिखिए इंट्रोडक्शन, फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि हॉबी इज़ एन एक्टिविटी विच वी डू इन आवर फ्री टाइम। ये हैवी जो हॉबी होती है ना, वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एक्टिविटी है, क्रिया है, जो हम अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। हॉबी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो हॉबीज़ होती हैं, मतलब जो हमारी जो भी, मतलब जो भी रुचि है, तो वो हम जो हमारी ज़िंदगी है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल भूमिका निभाती है, ठीक। सो जो हमारे शौक़ है वो हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा भूमिका निभाती है। दे रिलैक्स आवर माइंड एंड मेक अस हैप्पी, दे ब्रिंग अस अवे फ्रॉम स्ट्रेस फॉर सम टाइम। जो हॉबी है आपकी, ये आपके माइंड को रिलैक्स करती है, आपको हैप्पी करती है, और ये क्या करती है आपको आपके स्ट्रेस से, आपकी जो चिंताएं हैं और आपके माइंड में जो भी, मतलब दुख तकलीफ मैं बोलूं या जो भी टेंशन चल रही है, उससे आपको दूर ले जाती है। दे मेक आवर लिव्स इंटरेस्टिंग एंड इन्जॉयबल, ये हमारे जीने के तरीके को एक, मतलब मज़ेदार तरीके में कन्वर्ट कर देती है, क्लियर। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ हॉबीज़, मतलब बहुत सारे प्रकार, बहुत से प्रकार का शौक़ होता है लोगों को, अलग अलग प्रकार की हॉबीज़ होती हैं। जैसे मैं हूँ तो मुझे पढ़ना पसंद है, या मुझे लिखना पसंद है, या ड्राइंग करना पसंद है, तो ये मेरी अलग हॉबीज़ हैं। एक हॉबी किसी की दो हॉबी, अलग अलग प्रकार की अलग अलग हॉबी होती हैं सभी को, मतलब जैसे डिफरेंट पीपल्स हैं तो डिफरेंट हॉबीज़ है, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, मतलब उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टेम्परमेंट एंड इंटरेस्ट, सम ऑफ द हॉबीज आर रीडिंग, उनके शौक के हिसाब से, उनके बदले हुए मिजाज के अंदाज से अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। जैसे मैं बोलूं कि इंटरेस्ट, सम ऑफ द हॉबीज़ आर रीडिंग, किसकी हॉबी होती है रीडिंग करना, किसी की गार्डनिंग करना, किसी की स्टैम्प करना, किसी की कलेक्टिंग करना, किसी की पेंटिंग करना, किसी की कुकिंग, किसी की फ़ोटोग्राफी, किसी की ट्रैवलिंग, किसी की प्लेइंग, ठीक है। तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग हॉबी होती है, आप पर्टिकुलर बोल नहीं सकते कि ये एक हॉबी है जो सभी की होती है, क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं माई हॉबी मतलब आपकी हॉबी क्या है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप मेरे अकॉर्डिंग लिखना चाहेंगे तो मैंने ये लिखा है कि माय फेवरेट हॉबी इज़ ड्राइंग, मेरी जो फेवरेट हॉबी है वो क्या है, ड्राइंग करना है। आई ऑलवेज इन्जॉय ड्राइंग व्हेन आई हैव फ्री टाइम, जब मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट हैज़ बीन विथ मी, ये मेरे साथ होती है सिंस माई चाइल्डहुड, ये मेरे साथ हमेशा बचपन से ही, मतलब मुझे बचपन से ही ड्राइंग करने का थोड़ा थोड़ा जुनून सवार था, मुझे शौक हो गया है, ठीक है। I used to make random pictures, portrait with the color randomly. I have painted over 5 portrait till now. अभी तक मैं कम से कम 50 पोर्ट्रेट जो है बना चुका हूँ, और रैंडमली बना चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा वो क्लियर किया था कि आप बनाना है, ऐसा कुछ नहीं, मैं बना ही चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद पेंटिंग इज़ ऑल्सो ड्राॅइंग इज़ समथिंग दैट मेक मी फील काम एंड क्रिएटिव, मुझे ये जो पेंटिंग है कुछ तो इसमें ऐसी बात है जो मुझे काम महसूस कराती है, इसके बाद मुझे क्रिएटिव महसूस कराती है। आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वेरियस ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन दैट आर हेल्ड इन माई स्कूल, ऐसे बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिशन हुए हैं जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने भागीदारी ली है, और क्या बोला है इसमें, जो कि मेरे स्कूल में ही आयोजित किए गए हैं, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई एम extremely thankful for the skills that I always win rewards and applause from my teachers. एप्लोजाइज नहीं है ये, एप्लाउज है, ठीक है। सो मैं अपने मतलब कि मेरी जो स्किल है मैं बहुत ही मतलब थैंक
थैंकफुल हूँ भगवान का कि मुझे एक ऐसी स्किल मिली, मुझे एक ऐसी कला मिली जिससे मुझे बहुत सारा मतलब प्यार मिला। मेरे जो टीचर हैं उनकी वजह से मतलब मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो भी वो आयोजित करते हैं उनके स्कूल में ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम इसके कॉन्क्लूजन की बात करते हैं तो चलिए कॉन्क्लूजन भी देख लेते हैं कि हैविंग अ हॉबी दैट वी इंजॉय डूइंग ब्रिंग अस पीस एंड जॉय। फॉर मी इट इज़ ड्राइंग, आई विश टू परस्यू ड्राइंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये बोलता है कि जो हॉबी है इसको मतलब लेना मेरे लिए एक इंजॉयबल है, ये मेरे अंदर क्या लेकर आता है, पीस लेकर आता है, शांति लेकर आता है, जॉय खुशी लेकर आता है, और इसको परस्यू करना मेरी लाइफ का एकमात्र गोल बन चुका है। इट इज़ माई ड्रीम टू बिकम अ ट्रू आर्टिस्ट वन डे, मतलब एक सच्चा कलाकार बनना ही मेरे जीवन का मकसद है और ये मेरा एक सपना भी है। क्लियर, अगर अब हम आगे बात करते हैं तो इसमें पैराग्राफ की बात की गई थी, चलिए पैराग्राफ भी देख लेते हैं बच्चे। देखिए इसमें लिखा था कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन टू सेव वाटर, या फिर इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बोला था कि आप किस पे से पैराग्राफ लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं किस पे से, इस पर से भी मतलब उसके और में आप वो लिख सकते हैं, बट अलग से कुछ दिया है आपके लिए, 3 नंबर का है जो कि लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट ए डिस्क्रिप्शन इन 75 वर्ड्स। आपको ताजमहल की जो कि विश्व विख्यात है उसका एक मतलब डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, और मैं बोलूँ तो उसको 75 शब्द में ही लिखना है क्योंकि 3 नंबर का, मतलब आपका टोटली आधा पेज से थोड़ा सा ज़्यादा भरा जाए तो क्या ही बात है। ठीक है, इसमें आपका सारा काम बन जाएगा, तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं उसको। सो दिस इज़ ताजमहल मीन्स क्राउन प्लेस, इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश। देखिए जो ताजमहल है इसका मतलब क्राउन प्लेस भी बोल सकते हैं आप, और ये कहाँ पर स्थित है, आगरा में, मतलब आगरा जो है उत्तर प्रदेश में, तो ये आगरा में स्थित है। द लैंड ऑफ ताज इज रिच इन इट्स कल्चर हेरिटेज, आगरा द सिटी ऑफ ताज वॉज वंस द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर। देखिए ये जो आपको बताया गया है कि जो आगरा है इसके कारण ये विश्व विख्यात है, या फिर मैं बोलूँ रिच है, रिच से मतलब पैसे से भी नहीं, मतलब इसकी कलाकृति से भी ये विख्यात है क्योंकि यहाँ पर जो है कल्चर है, ठीक है, प्राकृति है, जो बनावट है ताजमहल की उससे वो विश्व विख्यात है। और जो आगरा है ना, ये एक टाइम था कि ये जो है मुगल साम्राज्य की क्या रह चुकी है, कैपिटल, राजधानी रह चुकी है। ठीक है, द ताजमहल इज स्पेक्टल इन वाइट मार्बल इन अ अविशम मॉन्यूमेंट, इट इज़ मॉन्यूमेंट ऑफ लव दैट मुगल एम्पावर शाहजहाँ गैप टू द वर्ल्ड, स्टैंड एज अ टेस्टिमोनी ऑफ हिज इंटेंशन लव फॉर हिज वाइफ मुमताज महल। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है वाइट मार्बल मतलब कि संगमरमर जो सफ़ेद है उससे बना गया है, और ये एक अविशम है, मतलब बहुत शानदार है, सभी को पता है यार, ये तो बातें हैं कि हम ये लिख दें वो लिख दें, जितना लिख दें कम है। इसको बनाने वाले कौन थे, इसको बनाने वाले भी शाहजहाँ थे जो कि मुग़ल एम्पावर से ही एम्पायर से भी बिलोंग करते हैं, तो मतलब जो मुग़ल सम्राट थे उन्हीं में से ही एक जो राजा रह चुके हैं ये शाहजहाँ, इनने ये पूरे विश्व को दिया है, या मैं बोलूँ पूरी दुनिया को ही दिया है, और उन्होंने अपना मतलब कि प्यार साबित करने के लिए जो है मुमताज़ महल मुमताज़ उनकी जो पत्नी है उनके लिए बनवाया था। इट इज़ अ मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड ग्लोरिटेड विथ प्रेसियस एंड सेमी प्रेसियस स्टोन्स। ये मैं बोलूँ तो आपको जैसे पता है कि ये बना हुआ है सेमी प्रेसियस स्टोन से, मतलब बहुत कीमती स्टोन से, कीमती पत्थर से, मतलब बहुमूल्य वस्तु से। इट इज़ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड, क्या था ये, एक मिनट रुकिएगा, लाइन की वजह से मुझे दिखा नहीं, प्रिजर्व्ड एंड आर्टिकल्चरली ब्यूटीफुली टॉम इन द वर्ल्ड, इट स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये कहाँ पर स्थित है, बैंक ऑफ रिवर यमुना है ना, और टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट आगरा टू मेक अ पिलिग्रेमेज टू ताजमहल, इंडियाज़ मोस्ट फेमस आर्टिकल्चर वंडर। देखिए ये जो है आगरा, बहुत सारा जो पर्यटक है वहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं, भ्रमण करते हैं, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ अ ताजमहल। ठीक है, इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक, पेरिसन एंड इंडियन स्टाइल। देखिए इसको 3 स्टाइल में, या फिर मैं बोलूँ कि 3 संस्कृतियों से मिलाकर बना है, 3 रिलीजियस से मिलाकर बना है, जो कि है आपका इस्लाम, इसके बाद आपका पेरिसन
ये भी होता होगा धर्म, मुझे नहीं पता है इसके बारे में, और इंडियन स्टाइल में, मतलब तीनों धर्मों को मिलाकर ही बना है। चलिए हम सेक्शन 6 की बात कर लेते हैं जिसमें आपकी ग्रामर है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं जिसमें लिखा है कि वी बिलोंग टू सर्व आवर नेशन, मतलब हमें जो है हमारी जो देश है उसकी सेवा करनी चाहिए। तो इसमें हमें आउट टू भरना है, क्योंकि जब भी हम किसी आज्ञा की बात करते हैं या फिर हम ऐसे कोई भी चीज़ ओबे की बात कर रहे हैं, मानने की बात हो रही है, तो हमेशा वहाँ पर आउट आता है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं ब्लैंक, आई कम इन द क्लासरूम सर मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर ब्लैंक, है ना, फॉर क्लास 10th फॉर क्लास 12th। ये ग्रामर हमेशा देखने को मिलती है कि मे आई कम इन सर इन द क्लास रूम सर, या फिर मे आई कम इन, ये परमानेंट चलता है, तो ये हमेशा याद रखें, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सिंपली मे आएगा, बच्चे बच्चे को पता है ये बात। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि थर्ड लिखा है आपका दे ब्लैंक फुटबॉल इन द इवनिंग, तो क्या आएगा इसमें, प्लेज प्ले प्लेइंग। देखिए अकॉर्डिंग टू आपको मैं बता रही हूँ टेंस कि इसमें आएगा प्ले, क्या आएगा बेटा प्ले, क्योंकि जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपने पढ़ा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ये आया है। आप अगर प्लीज़ लिखेंगे तो हमेशा ही सी नेम के साथ प्लीज़ आता है, प्ले जो है आई वी यू दे के साथ आता है, और अगर यहाँ पर इज एम आर या वाज वर होता तो प्लेइंग आता। और अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप टेंस पढ़ लीजिए, जो कि हमारी टेंस वैसे स्टार्ट की वीडियो आती है उस पर, और उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस आप सभी को पढ़ा दिए ताकि आपको क्लास 10th वाले और क्लास 12th वालों को बिल्कुल भी सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं। आई हैव बीन हेयर मंडे, मैं यहाँ कब से हूँ, सोमवार से हूँ। अब आपको 4 सिंस और 2 बताना है। तो देखिए आपको सिंपल सा फंडा है, जब भी वीकडे की नाम बोलें या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, या सेल हैव बीन, मैं बोलूँ कि बीन अगर देखने को मिल जाए ना तो आप समझ जाइएगा कि सिंस या फॉर में से कुछ आना है। अब इन दोनों में से कैसे बताएंगे कि सिंस आना या फॉर आना, तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले देखिए कि पर्टिकुलर आपको पता चल रहा है कि कब की बात है, एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है, तो हमेशा आप भरिए सिंस। तो इसमें पता चला कि सोमवार से, तो यहाँ पर सिंस आएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं यहाँ पर 2 डेज से, तो आप हमेशा फॉर लिखिए, ठीक है। आई एम नॉट अफ्रेड, बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक है, फिर इसके बाद डेथ है कि मैं जो है मौत से नहीं डरता हूँ, तो इसमें हमेशा ऑफ आता है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। अभी हम 6 की बात करते हैं, लुक ब्लैंक यू लीप। देखिए ये भी मैं बोलूँ तो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लैंक है, जो हमेशा पूछा जाता है कि लुक बिफोर यू लीप, मतलब कि छलांग लगाने से पहले देखो, ठीक है। इसके बाद 7 देखते हैं कि ही हैज़ ब्लैंक 1 रुपी नोट, उसके पास सिर्फ 1 रुपये है। यहाँ पर अगर आप 1 को ध्यान से देखेंगे तो ओ एन ई ओ आया है, लेकिन बहुत से बच्चे समझ रहे हैं ओ आया है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि जो ओ है और एन है, यहाँ पर किसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं आपका 1 का, किसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा है 1 का, क्या बा एक आपका बॉबिल है, हिंदी बॉबिल है, नहीं है ना, इसीलिए हमेशा यहाँ पर ए आएगा। क्योंकि देखिए आपका ए और एन का अगर सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हिंदी वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है किसी वर्ड में और ब्लैंक के जस्ट बाद वाले लेटर में, तो हमेशा वहाँ पर एन आता है, अगर नहीं हो रहा तो उठा के लगा दीजिए ए, क्लियर, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। डूएस डायरेक्टेड एनी 5 की बात करें तो दे डिड देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का आसान तरीका है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो लिखा है दे डिड नॉट डू देयर वर्क, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। मैंने ऐसा क्यों बोला या ऐसा क्यों बनाया, उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि डू डज डिड से है। मैं यहाँ पर इन शॉर्ट में बता सकती हूँ बच्चा, क्योंकि आपके पास भी कम टाइम है, मेरे पास भी कम टाइम है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो मुझे दिक्कत आती है प्रॉब्लम वीडियो अपलोड करने में, तो मैं इसमें इन शॉर्ट में बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कि हमेशा सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यहाँ पर लिखा है डिड, तो जब भी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और उसको नेगेटिव बनाते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव आप लोग बना रहे हैं ना, तो आपको वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी हमेशा आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको यह हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ पर डिड नॉट लगाएंगे और डू लिखेंगे। मैं यहाँ पर इन शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हम कैसा स्ट्रक्चर लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई भी बच्चा ये कन्फ्यूजन ना खाए कि ये यहाँ पर डिड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना भाई, उसमें कभी भी सिंपल सेंटेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो नहीं आती है, ठीक है। सेकंड देखते हैं चलिए, और पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि हमेशा आप क्लास 10th वाले को लिए 2 से 3 नंबर तो इसमें ग्रामर में फंसेंगे आपके, ठीक है। तो वो अगर देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। इफ़
यू आर कॉमेंटेड इन दिस वीडियो. क्लियर? तो चलिए सेकेंड देखते हैं. माई मदर इज़ कुकिंग फूड. मेरी माँ जो है ना वो खाना बना रही है. अब इसको इंटरोगेटिव बनाना. अब यहाँ देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब बखूबी मिलेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की अदला बदली कर देनी है. ठीक है, इंटरोगेटिव का सिंपल सा रूल है. और अगर आपको सेंटेंस नहीं आते हैं बनाने और आप जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं तो सेंटेंस इट्स ऑल टाइप के नाम से वीडियो बनी रखी है, आप देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं. चलिए, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंस बिगनिंग विद इट. आपको इसके ऐसी शुरुआत करनी है कि इट से स्टार्ट हो, तो कुछ नहीं करना है, इट इज़ सैड करके लिखिए आप. इट इज़ सैड दैट स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. इट इज़ सैड दैट स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. कुछ नहीं है, पूरा का पूरा सेंटेंस मैंने वैसे ही लिखा, बस मैंने ये बोला कि इट इज़ सैड. इसका मतलब भी मैं आपको समझाती हूँ. इसका मतलब होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो स्विमिंग है वो एक गुड एक्सरसाइज है. अब यहाँ पर आप देखेंगे ना कि इसमें आगे का, तो इसमें क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर फोर लिखा है, जिसमें लिखा है कि प्रीति सेट. हाँ, मैं भूल गई, मैंने चेहरा नहीं बताया. बहुत से बच्चे यही कमेंट करेंगे. तो भाई आज हमारे घर में लाइट नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है कि मैं कहाँ वीडियो बनाऊँ, तो मैं टेरिस पर आकर वीडियो बना रही हूँ. बट आपके लिए कोशिश जारी है, बस आपका प्यार बाकी है. जो आप मुझे वीडियो पर दिखा दें तो मुझे अच्छा फील होगा. तो फोर्थ नंबर सेंटेंस देखते हैं कि प्रीता सेट ब्लैंक, यहाँ पर कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा लिखा है कि इशिता इज़ वर्किंग. प्रीति कह रही थी कि जो इशिता है वो काम कर रही है. तो चेंज द नरेशन, इसको ये इनडायरेक्ट स्पीच में इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है. तो कुछ नहीं करना रहता है, प्रीता शेड दैट, क्योंकि सेड पहले से था तो हमने दैट लगा दिया. की ठीक है, इशिता वाज वर्किंग. ठीक है, इशिता वाज वर्किंग. क्लियर 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 बोलिए. आपका बोलना बहुत ज़रूरी होता है. आप लोगों को लगता है कौन कमेंट करे, हमें तो हमारी चीज़ मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई. मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि एक रिस्पॉन्स मिल जाए. फीस नहीं, फीस की ज़रूरत किसे है. आप तो बस एक कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमें समझ आ गया या हमें समझ नहीं आया, कुछ अच्छा करिए. ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे आप सभी से, अपने आप को अनमोटिवेट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं. हम और कोशिश करेंगे कि और अच्छी वीडियोज़ आ सके. ठीक है, तो कॉमेंट बहुत ज़रूरी होता है बच्चों. फिफ्थ वाला देखते हैं कि द बॉक्स इज वेरी हैवी, जो बॉक्स है ना वो बहुत हैवी है. ही कैन नॉट लिफ्ट इट, आप उसे नहीं उठा सकते. तो आपको क्या करना है, जो वेरी है ना भाई बैरी, उसको आपको चेंज करना है सो से, और यहाँ पर जो वीच है ना इसको आपको दैट से कंजेक्ट करना है, या फिर मैं बोलूँ कॉम्बिनेट करना है. तो कैसे करेंगे, बड़ी आसान सी चीज़, सो दैट का यूज़ देखिए इस तरीके से. मैंने वेरी की जगह सो लगा दिया कि द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट, मैंने क्या किया बीच में दैट किया, ही कैन नॉट लिफ्ट इट. ठीक है, चलिए सिक्स्थ वाला देखते हैं. इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी, वो अगर टैक्सी लेता ना तो ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम. अगर वो टैक्सी लेता ना भैया, वो मतलब जो स्टेशन है उस पर करेक्ट टाइम पर पहुंच जाता. अब आपको इसका आंसर देना है. आंसर कैसे देंगे, ये भी बड़ी कठिन समस्या. अनलेस क्या करेंगे आप, अनलेस लिखा आपने, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी. यदि वह, देखिए इफ की जगह पे अनलेस लिखते हैं. अब अनलेस की क्या वजह है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं. देखिए अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, मतलब इसमें जो है आपका नोट छुपा हुआ है. NOT नोट दिख रहा है अनलेस में, नहीं दिख रहा बट है इसमें. तो इस सेंटेंस का मतलब बेटा ये हो जाता है कि अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, अगर वह टैक्सी लेता, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि यदि वह टैक्सी नहीं लेता, क्या होता है, यदि वह टैक्सी नहीं लेता ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम. अब ये सही है क्या बताइए मुझे, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम. क्योंकि मैंने ये इसलिए लिखा है कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए. जब भी फर्स्ट सेंटेंस में अनलेस लिखा है तो सेकेंड सेंटेंस में नॉट आना ही मतलब बिल्कुल जायज ही है. मतलब आप लपक के और आंख बंद करके लगा दीजिए, बिल्कुल साइड में नॉट. क्या लगा देंगे आप साइड में, नॉट, कि अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेता तो वह स्टेशन पे टाइम पर नहीं पहुंचता. ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन द टाइम. क्लियर, इज इट क्लियर, है ना. तो चलिए सेवन देखते हैं. सी वॉज ड्राॅइंग अ पिक्चर, वह क्या कर रही है, एक पिक्चर को ड्राॅइंग कर रही है. आपको चेंज द वॉइस करना, इट मीन्स इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. चलिए हमारे साथ करते हैं. अ पिक्चर वॉज बींग अ ड्रॉन बाय हर. एक दिन आपका सेशन आने वाला है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का, जिसमें आपको सारे के सारे एक्टिव टू पैसिव वॉइस करवा दिए जाएंगे. ठीक है, और वो सेशन आपका, अगर मैं बोलूँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे ना तो वो जल्दी आ जाएगा. ठीक है,
अब हम देखते हैं सेक्शन टी भैया, डी भैया और सेक्शन सी कंप्लीट करा दिया है हमारे जो मतलब जो गले की नसें हैं वो पानी मांग रही है, बट हम पानी नहीं पी सकते। चलिए मैं आपको प्रूफ बताती हूँ, मेरा जो मोबाइल है वो 2% है, फिर भी मेहनत जारी है। और अगर मैं अभी यहाँ पर आपको लोकेशन बताऊँ ना, तो मैं ये सूट कर रही हूँ आपका कहाँ, आपका टेरेस पर, इसका भी मैं प्रूफ देती हूँ। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका सूट चल रहा है, बट कोशिश जारी है कि आपको जो है मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके, तो एक कमेंट तो बनता है, ठीक है। चलिए सेक्शन मतलब डी में 9 की बात करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए इसमें 5 अल्टरनेटिव आते हैं और उसके लिए भी मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आप सभी का, तो आप वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे कि लेंचो रोट अ लेटर, लेटर टू लेंचो ने लेटर किसको लिखा था, तो फर्स्ट लेसन में ही है कि गॉड को लिखा था, ठीक है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको जानना है कि कौन कौन से आने वाले हैं, तो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए सेकंड बात करते हैं, सेकंड लिखा है कि हाउ मैनी ब्रदर डिड यंग सिगल है, जो यंग सिगल है ना उसके जो यंग सिगल था उसके कितने भाई बहन थे, तो इसमें सिर्फ ब्रदर की पूछी गई है, तो उसके 2 ब्रदर थे। थर्ड की बात करते हैं कि हु वाज विद द यंग सिगल ऑन द लेज, मतलब जो कौन था यंग सिंगल के पास उस लेज में, तो वो उसकी माँ थी, उसके फादर थे, उसके भाई था, तो भाई ही वॉज अलॉन, वह अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था, क्योंकि उसके सारे भाई बहन उसको छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द वूमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुकड एट द नरेटर, जो कंट्रोल रूम में वो नरेटर जब गए थे और वो पूछे थे कि मेरे अलावा वहाँ पर कौन सा एरोप्लेन था, तो वो क्या बोलती हैं, मतलब वो उसको कैसे देखती हैं, बड़े स्ट्रेंजली देखती हैं, मतलब बड़ी चौंकनी उसमें देखता है कि कोई था तो था ही नहीं, तो फिर इसको कहाँ से देख गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं कि एनन बेस्ट फ्रेंड बास, एनन जो थी ना उनकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी, तो उनने अपनी बेस्ट फ्रेंड उनकी डायरी को बनाया था, जिसका नाम क्या था भाई, किट्टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ब्रेड मेकिंग इज़ पॉपुलर इन, जो ब्रेड है वो कहाँ बनती है, तो आपने अगर पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया, सो उसमें आपको 3 स्टोरी मिली थी, जिसमें से ये अल्टरनेटिव लिया गया, और ये वाले अल्टरनेटिव मैं करवा चुकी हूँ, मैं बोल रही हूँ ना आप एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव देख लेंगे, तो आपका सारा जो कन्फ्यूजन है, और मैं बोलूँगी जो आपके पेपर में आने वाले ना, तो ये समझ लीजिए आपकी तैयारी हो चुकी है, और बस याद नहीं करना है, एक बार देखना है, अगर आपने एक बार भी देख लिया ना तो सारे कन्फ्यूजन क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चलिए, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, आपको ये जो एक्सट्रैक्ट है बड़े ध्यान से देखना है कि इसमें बताया गया है, वेंडा पेंट्रोसी की जो थी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, जो वेंडा पेंट्रोसी की था ये कुछ ऐसा नाम था जो कि रूम नंबर 13 में किसी का नहीं था, दे हैड नेम्स इजी टू से, इनके उनके नाम ऐसे थे ना भाई कि आप आराम से बोल सकते, और भाई ये सिंपल भी बात है, जैसे किसी का नाम है दीपिका, किसी का नाम है आरती, किसी का नाम है कीर्ति, मैं अपनी बहनों के नाम बता रही हूँ, और किसी का नाम है प्रिंसी, तो बड़े आसान से हम लोग कह सकते, लेकिन वांडा कैसे बोलेंगे, वांडा पेंट्रोसी की, तो कुछ अच्छा नहीं लगा, ठीक है। लाइक थॉमस स्मिथ और एलन, देयर वाज ओनली वन बॉय नेम वाउंस, सिर्फ एक ही लड़का था जिसका नाम वाउंस था, विली वाउंस, तो एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और पीपल उसको भी, जो वहाँ की बच्चियाँ थी ना उसको भी फनी ही नाम लेती थी, वट नॉट फनी इन द सेम विद अ पेंट्रोसिकी वाज, लेकिन इतना फनी भी नहीं जितना वो पेंट्रोसिकी को लेती थी। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था बेचारी का, एंड सी केम टू स्कूल अलोन, वेंट होम अलोन, वह घर अकेली जाती थी, घर से अकेली आती थी, सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेसेस दैट डिडंट हैंग राइट, देखिए, और वो थी ना, वो कैसे कपड़े पहने हुए होती, एक फेडेड ड्रेस पहने होती थी ब्लू कलर की, कैसे कलर की, ब्लू कलर की, और बड़ी मतलब अजीब सी थी वो ड्रेस, फेडेड थी, मतलब ऐसे सुखड़ी सुखड़ी टाइप की, विदाउट प्रेस वाली, और मतलब वो दैट डिडंट हैग राइट, मतलब कुछ अच्छे तरीके से नहीं, ढंग से नहीं पहनती थी उसको, तो ये थी कुछ स्टोरी आपकी वेंडा पेंट्रोसी की थी। अब हम इसमें देखेंगे क्या आपका क्वेश्चंस, तो फुल नेम ऑफ बाउंस वाज क्या था, फुल नेम बाउंस वाज का, चलिए हम इसको करेक्शन में देखते हैं कि भाई आपका ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई रट लिया, रटना नहीं है, विली वाउंस क्या नाम था भाई, विली वाउंस, तो हमें विथ प्रूफ देना पड़ेगा ना आप सभी को, तो इसका नाम क्या था भाई, विली वाउंस,
ठीक है। अगर हम सेकंड देखेंगे तो नो ऑफ रूम्स इन विच वांडा स्टडी आर, मतलब कि उस रूम में ऐसा कोई नहीं था, किस रूम में, सॉरी नो ऑफ रूम्स विन विच वांडा स्टडी आर, वांडा किस रूम में स्टडी करती थी, तो आपको बताया गया था कि रूम नंबर 13 डिडंट हैव नेम लाइक दैट, मतलब जो रूम नंबर 30 था उसी में पढ़ती होगी, जब तो ऐसा बोला कि उसमें उसके अलावा ऐसा कोई किसी का वो नहीं था नाम, तो रूम नंबर 13 में पढ़ती थी, ठीक है। अगर आप थर्ड देखेंगे तो इसमें है कि हु वेंट टू होम अलोन, कौन अकेले घर जाती थी, तो मैं आपको इसको भी प्रूफ के साथ देती हूँ कि इसमें लिखा है कि सी केम टू अलोन एंड वेंट होम अलोन। सी क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ वांडा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आपको वांडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वांडा, कौन, वांडा, चलिए आंसर लिख लेते हैं, वांडा, वेयर इज वांडा, ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर वी देखते हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट का ही है, जो कि पोइट्री से लिया गया है, कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु वाज लॉस्ट हिज वॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज़ इन ऑन इन द वाटर। देखिए इसमें बताया गया है कि भाई क्या हुआ आपको, आपकी वॉल घूम गई है, वॉट इज़ ही टू डू, उसके साथ क्या हुआ, आई सा इट गो, वो बोलता है, जो नरेटर होता है, इट मीन्स जो पोइट होता है, वो बोलता है कि मैंने उसको जाते हुए देखा है, वो बड़े ही खुश मिजाज से बाउंस करती हुई, मतलब उछलती हुई जा रही थी, और फिर जैसे जैसे स्ट्रीट पर गई वो नीचे उतरी स्ट्रीट से, और उसके बाद क्या हुआ, वो नीचे जाते हुए पानी में गिर गई। नो यूज़ टू से और देयर आर अदर वॉल्स, ये कहने का कोई अर्थ ही नहीं था, कोई तात्पर्य नहीं था कि आपकी दूसरी वॉल भी है, ठीक है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू द बॉय, उस लड़की के साथ क्या हुआ था, द बॉय वाज सैड, द बॉय वाज अम्यूजिंग, द बॉय वाज हैप्पी, द बॉय वाज चेयरफुल। देखिए इन सभी का मतलब मैं बोलूँ तो खुश मिजाज का है, लेकिन इसका मतलब वो बहुत उदास था क्योंकि उसकी वॉल गुम चुकी थी। अगर आपके पैसे गुम जाए, आपने जो पापा से लिए परीक्षा अध्ययन के लिए, तो आप बताइए आप कैसे होंगे, सैड होंगे कि हैप्पी होंगे, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, विच वर्ड्स मीन द सेम एज मैरिली, देखिए मैरिली मतलब क्या होता है, यहाँ पर जॉयली होगा शायद, चेयरफुल लेसली, अनहैप्पीली या मिसरेवली, इन तीनों का मतलब बच्चा होता है क्या आपका, अनखुश या फिर मैं बोलूँ अनहैप्पी, इसका मतलब होता है जो भी अली मतलब कि खुश मिजाज, तो मैरिली मतलब भी वही होता है, दैट मीन्स इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन, इन दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज वॉल, इट इज़ इन द, जब लड़का ने उस वॉल को खोया तो वो कहाँ चली गई थी, इट इज़ इन द वाटर, मैंने क्यों लिखा वाटर, चलिए इसका तो हम प्रूफ दे सकते हैं क्योंकि ये इसमें है, ठीक है। ये देखिए ये है इसका आंसर, इट इज़ इन द वाटर, वो कहाँ थी, पानी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट ख़त्म, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स, आपको एनी सिक्स करना है, किसमें, 30 वर्ड्स में, और इसमें आपको बोला है कि डिज लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बाय और व्हाई नॉट। क्वेश्चन नंबर टू है कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, आपको बताना है कोई ऐसी मतलब इंडिया में बिल्डिंग जो सैंडस्टोन की बनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे कि द साइट ऑफ द फूड मेड एंड हिम, व्हाट डज द डज दिस सजेस्ट वाज कॉम्प्लेंट द यंग सिगल टू फाइनली फ्लाई, ये फर्स्ट फ्लाइट में से लिया गया है। व्हाट मेड द वुमेन इज द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्टेंजली, ये बात है ब्लैक डकोटा की, मतलब ब्लैक एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एन एन से स्टीचर आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल इज मिस्टर गीजिंग अनप्रिडिक्टेबल आ हाउ, देखिए यहाँ पर ये है आपका एन एन फ्रैंक में से, तो ये वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखिए, हु वॉन द ड्राॅइंग कॉन्टेस्ट, वॉट हैड द विनर ड्रॉ, ये भी आपका एन एन फ्रैंक है जिन्होंने सॉरी ये वांडा है जिसने की वेंडा पेंट्रोसी की जो है उनके बारे में है ये, जिन्होंने 100 पेंटिंग्स लिखी थी बनाई थी। इसके बाद व्हाट डिड मिस्टर पेंट्रोसिकीज लेटर से, मतलब उसके जो पिता थे ना पेंट्रोसिकी, उनका लेटर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए भाई, व्हाट डज आ जैक फ्रूट लाइक एप्रिसियंस मीन्स, देखिए यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो जिसमें है एनी टू, जो कि 30 वर्ड्स का है, ठीक है।
इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द डस्ट स्नो, ये सारी पोयम में से ली गए, व्हाट इज़ द ये सब डस्ट स्नो जो है आपकी सारी पोयम में से, जिसमें आपको टू करना है। बहुत से बच्चे लापरवाही करके तीनों कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करते हैं बच्चा, इसमें हमेशा दो ही करना रहता है, तो आप जो सरल लगे वो कर दीजिए। फर्स्ट लिखा है कि इसका डस्ट ऑफ स्नो का, सेकेंड है व्हाट डज द पोइट से आई वुड नॉट इन ट्रूड ऑन हिम, why doesn't he offer him money to buy another wall, ठीक है। सेकेंड है आपका ये है the wall boy, ठीक है। इसके बाद is Amanda on orphan, why does she say so, जो Amanda ये है Amanda, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 31, एनी टू लिखना है आपको, इन तीनों में से आपको दो करना है, तो आप अपने हिसाब से करिए। why does Mrs. पम फेरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्प्यूस ऑफ सर्जरी, या फिर सेकेंड है कि वॉट डज ही सी अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल वैन दे आर रोबर्ट। अब थर्ड है कि वाई डज मिस्टर हॉल मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेट्री इसेंट्रिक ठोक सॉरी है ना, तो इनमें से आपको दो ही करने हैं, सारे दो दो नंबर के हैं, तो ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 75 बर्ड्स, तो इसमें से भी आप देख लीजिएगा और आराम से करिएगा आपके क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटप्रिंट में से भी लास्ट में आपको दिया गया है, तो सारे क्वेश्चन आंसर आप ध्यान से करिए। मैंने पूरा सॉल्विंग आपको दे दिया है, क्वेश्चन आंसर भी अगर आपको चाहिए हैं तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, और मुझे प्लीज़ लाइक करके ये बता दीजिएगा कि मैंने जो मेहनत करी है वो सफल हो चुकी है, आप सभी तक वीडियो पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो आगे नहीं जाएगी, और मैं चाहती हूँ ये वीडियो उन बच्चों तक भी जाए जो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जी जान से लगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 2022 का है और बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो बेसिकली पैसेज आए हैं, जो ग्रामर आई है, वो मोस्टली देखने को मिलती है, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना नहीं चाहते उनको तो शेयर कर ही दीजिए, ताकि वो बेचारा बना बनाए खाना खा ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, और ऐसे हमारी वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।